Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now student, we will start the exercise for the chapter surface areas and volumes. और इसकी first exercise हम start करेंगे जहां पर हम surface areas पर based question करेंगे. So the first question is, a vessel is in form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder. एक वेसल है जो कि किस तरह किस शेप में है, एक हॉलो हेमिस्फीयर जो है वो हॉलो सिलेंडर के ऊपर है. द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर. हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर. और टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितनी है? 13 सेंटीमीटर. तो आपको बताना है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, ये आपको बताना है. तो सी किस तरह से यहाँ पे मैं आपको शेप यहाँ पे बता दूं स्टूडेंट. एज यू कैन सी हियर दिस इज द शेप ऑफ, ऊपर क्या हेमिस्फीयर है और नीचे सिलेंडर. अब ये जो टोटल हाइट हमें दी हुई है, टोटल हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर, ये है यहाँ तक. और उसके बाद जो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर फ्रॉम हियर टू हियर इज 14 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है. तो अब आप देखिए रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ पे. रेडियस ऑफ, अगर हम बात करें रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ये दोनों रेडियस सेम होंगे क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक है. ये हो जाएगा r, that is equal to 14 by 2, diameter का half यानी कि 7 centimeter. ये 7 centimeter हो गया, since यहां से लेके यहां तक ये भी 7 centimeter होगा from here to here. तो अब student height क्या होगी? अगर मैं बात करूं height of cylinder की, तो height of cylinder की अगर हम बात करें h, वो क्या हो जाएगा? 13 में से हम 7 को minus कर देंगे, 6 centimeter. यानी यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर की ये हाइट होगी. दिस, अब हमने यहां पर क्या निकालना था? सरफेस एरिया निकालना था इस वेसल का. तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. दिस, तो अब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? This is equal to 2 pi r square. और surface area of cylinder कितना होता है? 2 pi r h होता है. यहाँ पर आप 2 pi common ले लीजिए, r square, यहाँ पर radius कितना है? 7 into 7 plus r into h बचेगा, यानि कि 7 into 6 this. और ये कितना आएगा student? This will come out to be 2 into 22 by 7, ये मैंने ले लिया, अंदर 49 and 7 6 है कितना आएगा? 42 आएगा this. अब ये एड करा दीजिए 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू 49 इन दिस, ये हो जाएगा 9 और 2 कितना है? 11, कैरी 1 एंड देन दिस 91. ये 7 यहां से कैंसिल आउट करेगा तो 7 उसके बाद 3 13 सा. अब 2 इंटू 2 44 इंटू 13 आएगा, और जब आप 44 इंटू 13 की मल्टीप्लाई कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल.